हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं फ्रेंड। आज के वीडियो में एलर्जी बीमारी, एक्जिमा की बीमारी, गजकरण की बीमारी की कॉर्टिफलम डी टेबलेट के विषय पर डिस्कशन। फ्रेंड, इस टेबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है, इस टेबलेट में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस टेबलेट के क्या उपयोग होते हैं, इस टेबलेट के क्या डोजेज या खुराक होती है, इस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस टेबलेट के क्या इंटरेक्शन होते हैं, इस टेबलेट की क्या सावधानी होती है, आदि विषयों पर डिस्कशन। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नॉलेज की वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, इस कॉर्टिफलम डी टेबलेट को कंपनी 10 टेबलेट की स्ट्रिप में बनाती है। 10 टेबलेट का मूल्य 13.90 रुपये होता है। फ्रेंड, इस टेबलेट को बेनेट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है। इस कॉर्टिफलम टेबलेट में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, डेक्सक्लोरफेनिरामाइन, मालिएट। फ्रेंड, ये एक ही कंटेंट्स से मिलकर बनी टेबलेट होती है। ये टेबलेट कॉर्टिफलम टेबलेट सेडुलियाज ड्रग की मेडिसिन होती है। इस टेबलेट के क्या उपयोग होते हैं, इस टेबलेट को डॉक्टर कौन सी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाते हैं। फ्रेंड, यदि एलर्जी है तो एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आप पौधों के संपर्क में आ जाते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है, तो उस एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आप पशुओं के संपर्क में आ जाते हैं तो उससे एलर्जी पैदा हो जाती है, उस एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। त्वचा पर यदि खुजली आ जाती है और तकलीफें होने लगती है, तो उस तकलीफों को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। त्वचा पर पित्ती उछलना एक बीमारी होती है, जिसमें त्वचा पर लाल लाल फुंसियाँ आ जाती है और उसमें दर्द जलन रहता है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। वातावरण के कारण नाक बहने लगती है, नाक से पानी निकलने लगता है और सर्दी हो जाती है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। एक्जिमा एक बीमारी होती है, जिसमें जलन रहती है, एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। एक्जिमा की बीमारी में खुजली होने लगती है, उस खुजली को कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपको बुखार आता है तो बुखार में सहायक टेबलेट के रूप में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। सर्दी जुखाम, वातावरण के कारण सर्दी जुखाम हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। बारहमासी सर्दी, मतलब 12 महीने सर्दी बनी रहती है, उस सर्दी के ट्रीटमेंट के लिए, उस सर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नासा सोत एक बीमारी होती है, जिसमें नाक के अंदर सूजन होती है, उस सूजन को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। नेत्र श्लेष्मा सोत, आँखों की पुतलियों में सूजन और दर्द रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। कॉर्टिफलम टेबलेट, ये टेबलेट एंटीहिस्टामिन ग्रुप की टेबलेट होती है, जो बॉडी में सीवियर या तीव्र एलर्जी को ख़त्म करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यदि आपको तेज बुखार है तो उसको उस बुखार में सहायक टेबलेट के रूप में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। उर्टिकेरिया एक बीमारी होती है, ये खुजली वाली बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, कुछ मेडिसिनों के साथ या टेबलेटों को खाने के बाद एलर्जी आ जाती है या एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एलर्जी के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इसके बेस्ट उपयोग होते हैं। फ्रेंड, इस टेबलेट के क्या डोजेज होते हैं। फ्रेंड, इस टेबलेट को अपने डॉक्टर की सलाह पर दिन में 2 बार तक उपयोग कर सकते हैं। इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इस टेबलेट का उपयोग करने के बाद यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो साइड इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, उस समय इस टेबलेट का उपयोग बंद करना लाभदायक होता है।
मितली आना साइड इफेक्ट है, उल्टी आना साइड इफेक्ट है, धुंधली दृष्टि साइड इफेक्ट है, छाती में जकड़न साइड इफेक्ट है, कब्ज साइड इफेक्ट है, चक्कर आना साइड इफेक्ट है, मुंह का सूखना साइड इफेक्ट है, वर्टिंगो साइड इफेक्ट है, उर्टिकेरिया साइड इफेक्ट है, इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड, इस टेबलेट के कुछ इंट्रेक्शन होते हैं कुछ दवाओं के साथ या कुछ टेबलेटों के साथ, इस टेबलेट का उपयोग करने से इंट्रैक्ट करती है। फ्रेंड, सेलोजिन मेडिसिन के साथ कार्टिफ्लम डी टेबलेट का उपयोग ना करें, इंट्रैक्ट करती है। राशि पर मेडिसिन के साथ कार्टिफ्लम डी टेबलेट का उपयोग ना करें, इंट्रैक्ट करती है। एल्प्राजोलम मेडिसिन के साथ कार्टिफ्लम डी टेबलेट का उपयोग ना करें, इंट्रैक्ट करती है। क्लोरमाजेपिन मेडिसिन के साथ कार्टिफ्लम डी टेबलेट का उपयोग ना करें, इंट्रैक्ट करती है। लोनाजेप मेडिसिन के साथ कार्टिफ्लम डी टेबलेट का उपयोग ना करें, इंट्रैक्ट करती है। फ्रेंड, इस प्रकार के कुछ इंट्रैक्शन हो सकते हैं। फ्रेंड, इस टेबलेट की कुछ सावधानी होती है, यदि आपको हृदय रोग है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें, हाइपरथायराइड बीमारी है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें, लीवर रोग है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें, गुर्दे की बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग ना करें, काला मोतियाबिंद बीमारी है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें, दमा की बीमारी है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें, यदि रक्तस्राव है किसी कारणवश तो उस समय भी इस टेबलेट का उपयोग ना करें, पेट के रोग है तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें। फ्रेंड, इस प्रकार की कुछ सावधानी रखना होता है। फ्रेंड, यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।